नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर पवन तिवारी आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया लेकर हाजिर हूँ। आप जानते हैं, क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो है और ऐसे में प्रमोशनल वीडियो में हम ऐसी ही चीजों को लेकर के आना चाहते थे जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये भी सोच सकते हैं कि प्रमोशनल वीडियो के लिए हमने क्रिया को ही क्यों क्यों चुना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिन पर हम लोग बात कर सकते थे। अमूमन आपने देखा होगा कि जब हम लोग प्रमोशनल वीडियो लेकर के आते हैं तो शुरू से कोई एक वीडियो लेकर के आते हैं, लेकिन पहली बार मैंने क्रिया को चुना है। और क्रिया को चुनने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। देखिए, जितने भी हिंदी में टॉपिक हैं उसमें क्रिया एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें तमाम आपको वर्गीकरण देखने को मिलेंगे और जितनी जगह आप उनको पढ़ेंगे उतने तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ आपको सही तरीके से ये जानने की जरूरत है कि परीक्षा में कैसे आएंगे और किस तरह के प्रश्नों से आपका साबका पड़ेगा और कैसे आप चीजों को सही तरीके से करके आ पाएंगे। तो मेरा सबसे बड़ा दृष्टिकोण ये है, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि मैं आपको सही तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर पाऊं, और इसीलिए मैंने क्रिया को चुना। क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पढ़ने के बाद आप खुद ही इस बात को जज करेंगे कि प्रमोशनल वीडियो में मैंने क्रिया को क्यों रखा। दूसरी चीज, क्रिया परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आरती मौर्या जी, किरण भारती जी, ज्योति पांडे जी, अजय कुमार जी, सूरज कुमार भारती जी और जितने भी, राजू चौधरी जी, सरोज यादव जी, पूजा सिंह जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो हमारे स्टूडेंट ऑफलाइन बैच में क्रिया नहीं पढ़े हैं सुपर टेट के, वो इसमें पढ़ सकते हैं और जो पढ़े हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार लिंक को शेयर जरूर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी की वजह से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, और चूंकि हमारी कोचिंग भी रेड जोन में आ गई थी इसलिए टीचर्स यहाँ पर आ नहीं पा रहे थे क्लास लेने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे हम इन समस्याओं पर से निजात पाते जा रहे हैं और जैसे जैसे चीजें हमारे फेवर में होती जा रही हैं वैसे वैसे हम आप लोगों के लिए क्लासेज लेकर के उपलब्ध हो रहे हैं। तो आज हम लोग क्रिया पर बात करेंगे और सभी का हमारे बीच में स्वागत है। लिंक को आप लोग जरूर शेयर करिए एक बार, जो भी लोग हमारे साथ हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। संदीप चौहान जी, श्वेता श्रीवास्तव जी, प्रीति अग्रहरी जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़े। तो आज चूंकि हम लोग क्रिया पर बात करेंगे, क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषिक दायरे में तो बांधा जा सकता है लेकिन जानते सब हैं कि क्रिया क्या है। एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है क्रिया कहलाता है। एक सामान्य सी परिभाषा हम इसकी दे सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का हमारे बीच में, और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग लिंक को जरूर शेयर करिए जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो आज बात करेंगे क्रिया पर। क्रिया मैंने आपको बताया, अगर क्रिया को हम परिभाषिक दायरे में बांधने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है क्रिया कहलाता है। या आप सीधे सीधे कह सकते हैं क्रियाशीलता ही क्रिया है। तो यहां देखिए, हम अगर एक परिभाषा की बात करें, ऐसे शब्द
जिनसे किसी कार्य के होने का बोध होता है। किसी कार्य के होने का बोध होता है, क्रिया कहलाता है। एक सामान्य सी परिभाषा इसलिए देना जरूरी है जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि क्रिया का मतलब होता क्या है। अर्चना वर्मा जी, अभी ये ऐप पर क्लास नहीं चल रही है, ये यूट्यूब पर क्लास चल रही है, क्योंकि ये डेमो क्लास के अंतर्गत आपकी आती है, ठीक है। ये प्रमोशनल वीडियो है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए, अगर हम कुछ उदाहरण ले लें, हमने लिख दिया राम दौड़ता है। अब यहां पर दौड़ता कौन है? राम। तो राम यहां क्या बनेगा? कर्ता। राम के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? दौड़ने का। तो दौड़ना यहां पर क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। यहां देखिए, वह पत्र लिखता है। यहां पर वह कर्ता है, वह के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? लिखने का। लिखना क्रिया है। और क्या लिख रहा है? पत्र। तो पत्र क्या बन जाएगा आपका? कर्म बन जाएगा। इसका मतलब क्रिया कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह भी क्रिया होती है। या आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का बोध होता है क्रिया कहलाती है, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे बीच में। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी लिंक को जरूर शेयर करें। अब एक चीज तो आपने ये जाना कि क्रिया कहते किसे हैं, और आपने देखा भी सबसे ज्यादा क्रिया में जो समस्या आती है हमारे सामने वो उसके वर्गीकरण को लेकर के होती है कि क्रिया का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है, कैसे कैसे होता है। आप जितनी किताबें पढ़ेंगे उसमें अलग अलग तरीके से क्रिया का वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें और आपको किस आधार पर पढ़ना है? परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है। परीक्षा में किस तरह से मतलब इस तरह के प्रश्न आएंगे, क्रिया से संदर्भित प्रश्न आएंगे, इन बिंदुओं पर बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे क्रिया के वर्गीकरण पर, ठीक है। तो क्रिया का वर्गीकरण, सामान्यतः क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अभी मैं वर्गीकरण की बात ना करके सीधे सीधे एक मोटे तौर पर इसके वर्गीकरण की बात करता हूं कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर सामान्य रूप से हम क्रिया की बात करें तो क्रियाएं दो प्रकार की आपको देखने को मिलती हैं। एक है मुख्य क्रिया और एक है सहायक। अब हमें इन दोनों को जानना है कि मुख्य क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है, और उसके बाद तब हम अगले वर्गीकरण पर बात करेंगे। आप थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानते हैं तो वैसे भी आप जानते होंगे कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो मुख्य क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके अभाव में कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता है। मुख्य क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी भी वाक्य को पूर्णता प्रदान करती है। तो हम यहां पर इसकी परिभाषा ऐसे करके लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा समझना जरूरी है आपके लिए। ऐसी क्रियाएं
ऐसी क्रियाएं जो किसी वाक्य को पूर्णता प्रदान करती हैं। मुख्य क्रिया कहलाती हैं। मुख्य क्रिया कहलाती है। इसका मतलब अगर हमने कह दिया राम जाता है, एक वाक्य हमने मान लीजिए लिख दिया राम जाता है, तो राम जाता है में से जाता को हटा देंगे तो क्या वाक्य आपका पूरा बन पाएगा? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम उसमें से क्रिया हटा देंगे तो उस वाक्य का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे देख लीजिए, जैसे हमने यहां लिख दिया राम जाता है, तो यहां पर जाता क्या है? मुख्य क्रिया है। अगर यहां से हम जाता को हटा दें तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक और उदाहरण देखिए, वह पत्र लिखता है। अब आप इसमें से अगर लिखता हटा दीजिए तो फिर यह वाक्य आपका अपूर्ण हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहां आपका लिखता क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गया। बात को समझ पा रहे हैं? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्य क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो किसी वाक्य को पूर्णता प्रदान करती हैं, पूर्ण वाक्य को लक्षित करती हैं। आप ये भी कह सकते हैं। अगर बात करें सहायक क्रिया की, तो सहायक क्रिया नाम से ही पता चलती है जो मुख्य क्रिया की मदद करती हो। ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की मदद करती हो सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर, ऐसी क्रियाएं जो किसी वाक्य को पूर्ण करने में मुख्य क्रिया की मदद करती हैं, मुख्य क्रिया की मदद करती हैं, सहायक क्रिया कहलाती हैं। सहायक क्रिया कहलाती है। इसका मतलब जो क्रियाएं किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की मदद करेंगी वाक्य को पूरा करने में, सहायक क्रिया कहलाएंगी। जैसे अगर हमने यहां लिख दिया, एक वाक्य देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया हवा चल रही है। अब आप मुझे बताइए कि चलना यहां पर मुख्य क्रिया है, यह कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। और इस क्रिया को असिस्ट कौन सी क्रिया कर रही है, हेल्प कौन सी क्रिया कर रही है? रही है। तो रही है यहां पर क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। मैंने कह दिया, एक और वाक्य देखिए, तुम बाजार जाते हो, तो ये बताइए जाते यहां पर क्या हो गया? मुख्य क्रिया, और हो क्या हो गया? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हो गया। तो सहायक क्रिया का काम क्या है? वाक्य को पूर्णता प्रदान करना। और मुख्य क्रिया का भी काम क्या है? वाक्य को पूर्णता प्रदान करना। दोनों में फर्क यह है कि मुख्य क्रिया के अभाव में
कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। और सहायक क्रिया का काम क्या है? यह मुख्य क्रिया को पूर्ण पद करने में मदद करती है, माने यह मुख्य क्रिया की मदद करने के लिए आती है और मुख्य क्रिया किसी वाक्य को पूरा करने के लिए आता है। दोनों में आधारभूत अंतर आपका यही है। ठीक है, एक बार आप सभी लोग लिंक को जरूर शेयर करिए और मुझे बताइए किसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है। अगर किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि सहायक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है। तो ऐसी क्रियाएं जो किसी वाक्य को पूर्णता प्रदान करती हैं मुख्य क्रिया कहलाती हैं, और ऐसी क्रियाएं जो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की मदद करती हैं सहायक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का, और लिंक को आप लोग जरूर शेयर करिए एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें हमें जाननी है। सामान्य रूप से तो हमने क्रिया का वर्गीकरण कर दिया। परीक्षा में आपसे पूछता है उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। पहला क्वेश्चन यही है आपका, उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले रूपा गौतम जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाजार समूहवाचक संज्ञा है और यह क्रिया का काम नहीं कर रही है, यह स्थानवाचक शब्द है बाजार। तो यहां पर जाना क्रिया होगी कि बाजार क्रिया होगी, वहां पर क्रिया थोड़ी है बाजार। बाजार तो एक शब्द है, स्थान सूचक शब्द है। जैसे तुम बाजार जाते हो, कहां जाते हो? बाजार जाते हो। तो यहां पर जाना मुख्य क्रिया होगी ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले वर्गीकरण पर बात करेंगे। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछता है व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। इसी पर हमको चर्चा करनी है अब। ठीक, हाँ बिल्कुल ज्योति जी। देखिए, अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि ये लाइव क्लास इसीलिए रखी गई है कि जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप ऑफलाइन क्लास की तरह हमारे साथ जुड़ करके पढ़ें। तो अगर किसी को कहीं कोई डाउट होता है तो बिल्कुल निःसंकोच पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हम सभी लोग यहाँ लाइव क्लास के माध्यम से मुखातिब हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के वर्गीकरण की बात की जाए तो इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक है मूल क्रिया, इसको हम धातु भी बोलते हैं, अभी आगे बताएंगे इसके बारे में। और दूसरी है यौगिक क्रिया या धातु। क्रियाएं हमेशा धातुओं से बनती हैं। अब यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, तब उसके बाद इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर हम मूल धातु की बात करें तो यहां एक चीज ये ध्यान रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को
धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, और इन्हीं धातुओं से ही क्रिया की उत्पत्ति होती है। एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि वो कौन सा सर्वनाम है जिसके साथ सदैव मूल धातुएं ही जुड़ती हैं, तो वो सर्वनाम है आपका तू। तू एकमात्र ऐसा सर्वनाम है जिसके साथ जब भी क्रिया का आप प्रयोग करेंगे वो मूल धातु ही आएगा। जैसे देखिए, तू खा, तू जा, तू आ, तू सो, तू जग, तू रो, तू मर। तो यहां पर आप देखिए, तू के साथ जब भी क्रियाएं आएंगी मूल धातु के रूप में आएंगी, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जैसे हमने यहां पर लिख दिया, और यहां थोड़ा सा एक और पॉइंट लिख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इन्हीं मूल धातुओं को, इन्हीं मूल धातुओं को ही मूल क्रिया कहा जाता है। ठीक। जैसे अगर कुछ पॉइंट्स पर बात कर लें, जैसे उठ, जाग, सो, दौड़, हंस, भाग, ये सब सब आपकी क्या हैं? मूल क्रियाएं हैं, ठीक है। और जानते हैं जो ये मूल क्रियाएं हैं आपकी, जब इन्हीं मूल क्रियाओं में ही हम सामान्यतः ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह आपकी सामान्य क्रिया बन जाती है। इन्हीं धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ करके ही हम क्या बनाते हैं? सामान्य क्रिया बनाते हैं। जैसे देखिए, उठ से हमने बना दिया उठना, जाग से हमने बना दिया जागना, सो से हमने बना दिया सोना, दौड़ से हमने बना दिया दौड़ना, हंस से हमने बना दिया हंसना, और भाग से हमने बना दिया भागना। तो ये देखिए, हमेशा अगर कभी किसी क्रिया की पहचान करनी है तो किसी भी शब्द के अंत में अगर ना प्रत्यय जुड़ा रहेगा तो वह क्रिया होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, यहां पर उठना ना, जागना में ना, सोना में ना, दौड़ना में ना, हंसना में ना, भागना में ना, हर जगह आपको ना दिख रहा होगा। तो ये मूल धातुएं हैं आपकी, उठ, जाग, सो, दौड़, हंस, भाग, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल क्रिया कहते हैं। अब हम मूल क्रिया के भेदों पर चर्चा कर लें और उसके बाद तब हम यौगिक क्रिया पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अभी हम यौगिक क्रिया को यहीं पर विराम देते हैं, यौगिक क्रिया के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? लिंक को आप लोग जरूर शेयर करिए। लिंक को शेयर करिए एक बार। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अभी हम यौगिक धातु के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मूल क्रिया के भेद, मूल क्रिया के भेद, जो आपकी ये मूल क्रिया है, मैंने आपको बताया ना, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया या मौलिक क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया को मौलिक क्रिया भी कहा जाता है। तो मूल क्रिया के दो भेद होते हैं,
इस पर भी थोड़ी चर्चा करनी बहुत जरूरी है, तब फिर हम योगी की तरफ आएंगे। पहला है आपका योजक क्रिया। योजक क्रिया या योजक धातु कह सकते हैं। और दूसरा है सामान्य क्रिया या धातु। इसका मतलब मूल क्रिया या मौलिक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक है योजक क्रिया और एक है सामान्य क्रिया। ठीक। अब यहां पर हमें देखना यह है कि योजक क्रिया क्या है। आपने एक नाम सुना होगा लिंकिंग वर्ब, इंग्लिश में आपने एक नाम सुना होगा लिंकिंग वर्ब, और हिंदी में लिंकिंग वर्ब को ही योजक क्रिया कहा जाता है। योजक क्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि कर्ता के बाद इसके साथ हमेशा पूरक का प्रयोग होता है। पूरक का अर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट, अंग्रेजी में आप कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, हिंदी में आप पूरक कहते हैं। पूरक हमेशा या तो कोई संज्ञा या तो कोई सर्वनाम या तो कोई विशेषण, यही तीन तरह के शब्द ही पूरक का कार्य कर सकते हैं। तो पूरक किसे कहते हैं, किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण को ही पूरक कहते हैं। और पूरक हमेशा किसके बाद आएगा, कर्ता के बाद आएगा, कर्ता को पूरा करने का काम करता है, इसी वजह से इसको हम पूरक कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जो कर्ता को पूरा करने का कार्य करती हैं पूरक कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं योजक क्रिया की। ठीक। मैंने आपको बताया कि योजक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। योजक माने जोड़ना। तो ऐसी क्रियाएं जो किसी कर्ता को किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जोड़ करके पूरा करने का कार्य करती हैं योजक क्रिया कहलाती है। ठीक है। ऐसी क्रियाएं जो किसी कर्ता को संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जोड़कर जोड़कर कर्ता को पूर्णता प्रदान करती है, कर्ता को पूर्णता प्रदान करती हैं योजक क्रिया कहलाती है, योजक क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कर्ता के बाद अगर कभी भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आएगा और वह उस कर्ता को पूरा करने का काम करेगा, तो ऐसे में वह संज्ञा सर्वनाम या विशेषण क्या बन जाएगा, पूरक का कार्य करेगा, पूरक बन जाएगा। ठीक है। तो यहां हम एक दो उदाहरणों पर बात कर लें, लेकिन उससे पहले हम आपको यहां पर दिखाएंगे कि सामान्य क्रिया क्या है। हम इसको भी देख लें यहां पर और उसके बाद तब हम आगे बढ़ें। तो योजक क्रिया आपको मैंने बताया, जैसे मान लीजिए यहां मैं लिख देता हूं, राम लड़का है, राम लड़का है। तो ये बताइए,
राम यहां पर क्या है, कर्ता है, ठीक। और राम को पूरा करने का काम कौन कर रहा है, लड़का। इस लड़के के माध्यम से ही पता चल रहा है कि राम है क्या। तो राम लड़का है, तो लड़का शब्द यहां पर राम को पूरा कर रहा है, और चूंकि राम यहां लड़का यहां संज्ञा है, और इसलिए यह बना क्या, पूरक बना, और यहां पर जो यह है शब्द है यह बन गई आपकी योजक क्रिया, यह आपकी योजक क्रिया बन गई, ठीक। एक और उदाहरण देखिए, मैंने यहां लिख दिया जैसे तुम ईमानदार हो। अब एक बात बताइए, यहां पर तुम क्या है, कर्ता है। ईमानदार शब्द विशेषण है, क्या है ये, विशेषण है, और यहां पर तुम को पूरा करने का काम कर रहा है, जबकि हो यहां पर क्या हो जाएगा, योजक क्रिया बन गई, हो आपका क्या है, योजक क्रिया हो गया। तो ये विशेषण है ईमानदार, इसलिए ये क्या होगा, पूरक का कार्य करेगा, यह पूरक हो जाएगा। मुझे लगता है समझ पा रहे हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो किसी कर्ता को संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जोड़कर कर्ता को पूर्णता प्रदान करती हैं, योजक क्रिया कहलाती हैं। और योजक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले ऐसे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पर आप देखिए, लड़का यहां क्या बना है, आपका पूरक बना है, जबकि यहां विशेषण शब्द भी क्या बना है, पूरक बना है। पूरक का अर्थ होता है जो किसी को पूर्णता प्रदान करता हो। तो पूरक किसको पूर्णता प्रदान करेगा, अपने से पहले आने वाले संज्ञा या सर्वनाम को। तो उसके पहले जो भी संज्ञा या सर्वनाम आएगा वो कर्ता का कार्य करेगा। तो किसी कर्ता को, चूंकि ये पूरा करने का काम करते हैं, तो किसी कर्ता को जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण पूरा करने का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, पूरक कहलाएगा। और इन सब को जोड़ने का काम कौन कर रहा है और हूं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, सभी लोग बताइए, अगर किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम आगे बढ़े। बोलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन, पूरक को समझ गए हैं। तो पूरक या तो कोई संज्ञा हो सकती है, या कोई सर्वनाम, या फिर विशेषण, और ये क्या काम करती हैं, कर्ता को पूर्णता प्रदान करने का काम करती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, योजक क्रिया कहते हैं। योजक क्रिया में हमेशा कर्ता के बाद कोई संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्द आता है, और यह संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्द किसके रूप में आता है, पूरक के रूप में आता है, ठीक। आइए सामान्य क्रिया पर बात कर लेते हैं। सामान्य क्रिया पर बात करते हैं, देखिएगा, क्रिया के मूल रूप में, क्रिया के मूल रूप में सामान्यतः ना प्रत्यय जोड़कर, सामान्यतः ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य क्रिया बनाई जाती है। ठीक, चलिए ठीक। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी धातु हो, मूल धातु, अगर उस मूल धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, सामान्य क्रिया बन जाएगी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, यहां उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, और एक परिभाषा तो मैंने यहां लिख ही दिया है। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने यहां लिख दिया धात,
और एक तरफ यहां मैंने लिख दिया सामान्य क्रिया, ठीक, ये धातु हो गई, ये सामान्य क्रिया हो गई। धातु में जैसे है जा, जा धातु है, और इससे बनने वाली सामान्य क्रिया क्या होगी, जाना। खा धातु है, खा से बनने वाली सामान्य क्रिया होगी खाना। पा धातु है, पा से बनने वाली सामान्य क्रिया होगी पाना। जाग धातु है, जाग से बनने वाली सामान्य क्रिया होगी जागना। अब समझ पा रहे हैं, किसी को कहीं कोई डाउट नहीं है, सभी लोग बताएंगे अगर किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। तो अब ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया। मैंने आपको बताया कि मूल क्रिया या मौलिक क्रिया के दो भेद होते हैं, योजक क्रिया, सामान्य क्रिया। योजक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसी क्रियाएं जो किसी कर्ता को संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जोड़कर कर्ता को पूर्णता प्रदान करती हैं, योजक क्रिया कहलाती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि योजक क्रिया में हमेशा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द आएंगे, और ये कर्ता को पूर्णता प्रदान करने का काम करते हैं, इसलिए ऐसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पूरक का कार्य करते हैं। मैंने एक दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया, जैसे राम लड़का है, तो यहाँ पर राम कर्ता है और राम को पूरा करने का काम क्या कर रहा है, यह संज्ञा लड़का, और लड़का इसलिए यहाँ पर पूरक है, और जबकि यहाँ पर है क्या है, योजक क्रिया है। यहाँ एक और उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है आपके सामने, तुम ईमानदार हो, तो यहाँ तुम क्या है, कर्ता है, जबकि ईमानदार विशेषण है, और इसलिए आप देखिए तुम को पूरा करने का काम कौन कर रहा है, ईमानदार कर रहा है, और ईमानदार बना क्या आपका पूरक बना, क्योंकि विशेषण है, और यहां पर हो आपका क्या हो गया, योजक क्रिया हो गया। ठीक है, अब यहां पर और देख लीजिए, मैंने सामान्य क्रिया की बात किया कि क्रिया के मूल रूप में सामान्यतः ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य क्रिया बनाई जाती है। तो यहां मैंने एक दो धातुएं और सामान्य क्रिया का उदाहरण दे दिया, जैसे जा आपकी मूल धातु है, जा से जाना बना, यहां पर आप देखें ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, खाना में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पाना में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जागना में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो मूल धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, सामान्य धातु या सामान्य क्रिया बनाते हैं। अब मुझे लगता है यहां पर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे प्रवीण बानो जी, ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यौगिक क्रिया के बारे में, जो व्युत्पन्न, जो उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया का आपका दूसरा भेद था। यौगिक क्रिया, इसे हम धातु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यौगिक क्रिया का मतलब क्या होता है, मूल धातु में कोई प्रत्यय जोड़ करके जब विकारी रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाती है, यौगिक धातु कहलाती है। ना प्रत्यय जोड़ करके तो हम सामान्य रूप से क्रिया बनाते हैं, तो यह सामान्य क्रिया बन गई। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई अन्य प्रत्यय जोड़ करके अगर उसको विकारी रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह क्या कहलाएगी, आपकी यौगिक क्रिया कहलाएगी। ठीक, अब जैसे देखिए हमने यहां पर लिख दिया, पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता दें, परिभाषा से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, इसलिए परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। मूल धातु में
सामान्यतः कोई प्रत्यय जोड़कर कोई प्रत्यय जोड़कर यौगिक क्रिया बनाई जाती है। यौगिक क्रियाएं बनाई जाती हैं। तो मूल क्रिया, ध्यान रखिएगा, मूल धातु में कोई प्रत्यय जोड़ करके हम क्या करते हैं, यौगिक क्रिया बनाते हैं। जैसे हमने यहां पर रख दिया, एक वाक्य लिख दिया मूल धातु, जैसे मूल धातु हमने लिख दिया, और यहां पर हमने लिख दिया यौगिक धातु। ठीक, मूल धातु जैसे पढ़ना सामान्य रूप से क्रिया तो है ये, पढ़ना, पढ़ना से अगर हमने लिख दिया पढ़ाना पढ़वाना, तो ये क्या है, यौगिक धातु है। रोना रुलाना रुलवाना, मारना मरवाना, ये सारी चीजें जैसे हमने लिख दिया, दौड़ना दौड़ाना दौड़वाना, ये मारना नहीं बल्कि मरना क्रिया होनी चाहिए थी, ये मरना है, मरना से आपका मारना और मरवाना ऐसे बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ करके हम सामान्य धातु बनाते हैं, सामान्य क्रिया बनाते ही हैं। तो हम चाहे इसको मूल धातु कह लें या फिर हम इसको सामान्य क्रिया कह लें, सामान्य क्रिया कह लें। ठीक, क्योंकि मूल मूल धातु पढ़ है और पढ़ से हमने पढ़ना बनाया है। ये देखिए, पढ़ पढ़ से पढ़ना, रो से रोना, मर से मरना और दौड़, और दौड़ से दौड़ना है। तो ये तो मूल धातु से सामान्य क्रिया हमने बनाया, और सामान्य क्रिया इसका मतलब सामान्य क्रिया ही मूल क्रिया हो गई। तो ऐसे में इससे हमने क्या बना दिया, यौगिक क्रियाएं बना दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये यौगिक धातु बन गई। तो अब यौगिक धातु के भी कई भेद होते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, आइए उस पर भी बात करते हैं। यौगिक क्रिया के भेद, यहां से प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। इसको हम दो रूपों में बांट दें तो ज्यादा बेहतर होगा, मुख्य भेद और गौण भेद। अगर हम यौगिक क्रिया के मुख्य भेदों पर बात करें तो मुख्य रूप से ये चार प्रकार की होती हैं यौगिक क्रियाएं, और गौण भेदों पर अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो
अगर मुख्य भेद की बात करें तो ये चार प्रकार की होती हैं। पहला है आपका संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया या अनुकरणात्मक धातु कह सकते हैं। तो यौगिक क्रिया के जो दो भेद होते हैं इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक आपका मुख्य भेद हो गया और एक हो गया आपका गौण भेद हो गया, ठीक है। और गौण भेद को हम कैसे वर्गीकृत कर रहे हैं जरा देखिए, व्युत्पन्न धातु, साधित सकर्मक धातु साधित सकर्मक धातु और इसके अलावा एक और धातु होती है जिसे कहते हैं उभय धातु। क्या कहते हैं? उभय विधि धातु। उभय विधि धातु। तो यौगिक क्रिया के जो दो भेद पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं आपके? मुख्य भेद और गौण भेद। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यौगिक क्रिया के प्रमुखतः कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे चार, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक। और अगर गौण भेद की बात करें तो व्युत्पन्न धात, साधित सकर्मक धात, उभय विधि धात, ये तीन हो गए आपके। इसके अलावा मिश्र धातु भी इसी के अंतर्गत आता है, मिश्र धातु। तो गौण भेद के अंतर्गत इसके चार भेद आते हैं और मुख्य भेद के अंतर्गत भी इसके चार भेद आते हैं। और अब एक एक करके हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जानना है कि ये हैं क्या आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम गौण भेदों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर मुख्य भेद पर आएंगे, क्योंकि मुख्य भेद आपका लंबा है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास काफी लंबा वक्त है और हम धीरे धीरे चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे गौण भेदों पर, जानबूझ करके मैं गौण भेद पर चर्चा करने चल रहा हूं, ये भी चार भेद हैं और उसके बाद सब मुख्य भेद पर हम लोग आएंगे, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, तो गौण भेदों पर सबसे पहले चर्चा करेंगे हम, ठीक। गौण भेद मैंने आपको बताया कि गौण भेद के अंतर्गत चार आएंगे। सबसे पहला व्युत्पन्न धातु, दूसरा साधित सकर्मक धातु, तीसरा उभय विधि धातु और चौथा क्या है? मिश्र धातु। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? आप अपना नेट सही करिए, हमको लगता है आप नेट पे नहीं हैं, सही तरीके से नहीं है। सही तरीके से मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आइए बात करते हैं सबसे पहले व्युत्पन्न धातु पर।
व्युत्पन्न धातु, ये पहला भेद है गौण भेद में। ठीक, तो व्युत्पन्न धातु आप ऐसे समझ सकते हैं, जितनी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं सब व्युत्पन्न धातु होती हैं। क्रियाओं के मूल रूप में आना या वाना प्रत्यय जोड़ करके व्युत्पन्न धातुएं बनाई जाती हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्रिया के मूल रूप में आना अथवा वाना प्रत्यय जोड़कर व्युत्पन्न धातु में बनाई जाती है। व्युत्पन्न धातु में बनाई जाती है, ठीक। जैसे देख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं सामान्य क्रिया और एक तरफ लिख लेते हैं व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। जैसे हमने यहां लिख दिया पढ़ना, व्युत्पन्न धातु क्या बनेगी, पढ़ाना पढ़वाना, रोना रुलाना रुलवाना, खाना खिलाना खिलवाना, दौड़ना दौड़ाना दौड़वाना, मुझे लगता है अब आप इसको सही तरीके से समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं। देखिए वॉइस में क्या प्रॉब्लम है जरा देख के बताइए, बहुत तेज जा रही है क्या? मैं तो बहुत आ रहा। आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम कर लीजिए तो सही तरीके से आप सुन पाएंगे, ठीक है? जी संदीप चौहान जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि व्युत्पन्न धातु आना या वाना प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती हैं। सामान्य क्रिया है देखिए पढ़ना रोना खाना दौड़ना, और इससे जो हमने व्युत्पन्न धातु बनाई है पढ़ाना पढ़वाना रुलाना रुलवाना खिलाना खिलवाना दौड़ाना दौड़वाना। अब ये भी आप क्लियर हो गया होगा आपके सामने, और मुझे लगता है कि आप सही तरीके से इसको समझ पाए होंगे, ठीक है? एक बार आप लोग लिंक को जरूर शेयर कर दिया करिए। हाँ लिंक को एक बार जरूर शेयर करिए। आइए अब आगे बात करते हैं, दूसरी धातु पर बात करते हैं। अब है गौण भेद के अंतर्गत दूसरी धातु आपकी, जिसको आपने नाम दिया है
साधित सकर्मक धातु। ध्यान रखिएगा, इन सब से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपके सामने क्लियर होनी बहुत जरूरी हैं, सही तरीके से आप इनको पढ़ पाएं, समझ पाएं और परीक्षा में अच्छा नंबर ले आ पाएं, ये बहुत मायने रखता है। साधित सकर्मक धातु का मतलब क्या होता है? साधित का मतलब जहां पर साधा जाए, जहां पर अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को ढाला जाए, उसे ही साधना कहते हैं। तो साधित सकर्मक धातुएं वे होती हैं जो अकर्मक से सकर्मक बनाई जाती हैं। आप जानते हैं दुनिया में जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो सकर्मक हो अथवा अकर्मक हो, तो जितनी भी अकर्मक क्रियाएं वो सकर्मक बनाई जा सकती हैं, जितनी भी क्रियाएं अकर्मक में हैं सब सकर्मक बनाई जा सकती हैं। तो अगर किसी अकर्मक क्रिया को हम सकर्मक क्रिया के रूप में जानबूझ करके कन्वर्ट करेंगे तो वह साधित सकर्मक धातु हो जाएगी। अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया के रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? साधित सकर्मक धातु कहलाता है। हाँ बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल। दरअसल वो भेद के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अब ये गौण भेद में आता है, मुख्य भेद में वो आएगा आपके, तो मुख्य भेद में जब हम बात करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए यौगिक क्रिया के गौण भेद कौन कौन से हैं, तो आप चार बताएंगे। यौगिक क्रिया के मुख्य भेद कौन कौन से हैं, चार बताएंगे। वैसे परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाता है कि यौगिक क्रिया के कितने मूल भेद होते हैं, तो आपका जवाब होगा चार, क्योंकि वो मुख्य भेद को ही पूछता है। गौण भेद को अगर पूछता है तो अलग से पूछ लेता है। जैसे पूछ लिया कि दे दिया खिलाना खिलवाना, जैसे दे दिया कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न धातु कौन सी है, दे दिया निम्नलिखित में से साधित सकर्मक धातु कौन सी है, दे दिया मिश्र धातु कौन सी है, दे दिया कि उभयविधि धातु कौन सी है, इस तरह से प्रश्न अलग अलग से इसमें पूछे जाते हैं गौण के अंतर्गत। लेकिन मुख्य विधि अगर मुख्य रूप से भेद पूछेगा तो उन्हीं चार की बात की जाएगी जो मैंने आपको मुख्य भेद में बताया है। अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्वागत है आपका भी हमारे चैनल में। साधित सकर्मक धातु, तो हम यहां पर सीधे सीधे लिख सकते हैं, अकर्मक क्रियाओं को, अकर्मक क्रियाओं माने हम कह सकते हैं धातुओं, अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रिया, के रूप में प्रस्तुत करना ही साधित सकर्मक धातु कहलाता है। साधित सकर्मक धातु कहलाता है। इसका मतलब जितनी अकर्मक क्रियाएं होंगी, अकर्मक क्रियाओं को अगर हम सकर्मक क्रिया के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो वो किसके रूप में आ जाएंगी? साधित सकर्मक धातु के रूप में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपको परेशान करता है, कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं जानबूझ करके प्रमोशनल वीडियो में आपके लिए क्रिया लेकर के आया हूं, जिससे कि क्रिया पर से आपका जितना भी डाउट है वो सब खत्म हो जाए। तो देखिएगा, अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रिया के रूप में प्रस्तुत करना ही साधित सकर्मक धातु कहलाता है। तो हम यहां पर देख लेते हैं, अकर्मक क्रिया एक तरफ हेडिंग डाल देते हैं, अकर्मक क्रिया। और एक तरफ हेडिंग डाल देते हैं साधित सकर्मक क्रिया। आप यहां कह सकते हैं धातु, और यहां भी हम कह सकते हैं धातु।
इसका मतलब अकर्मक क्रियाएं कहते किसे हैं इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वतः कर ले जिसमें उसको करने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता महसूस न हो क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं या कर्मक धातुएं कहलाती हैं। जैसे सोना, उठना, बैठना, जागना, भागना, दौड़ना, ये सब सब क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इन्हें कर्ता बिना किसी बाह्य साधन की मदद के कर सकता है। बाद में आगे जब हम आपको रचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो विस्तार से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये अकर्मक और सकर्मक क्या है। अभी बस इतना हमको जानना है कि अगर किसी अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह साधित सकर्मक धातु बन जाती है। ठीक है, तो हम यहां अकर्मक क्रिया में लिख लेते हैं, जैसे सोना, रोना, दौड़ना, भागना, हंसना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? अकर्मक। और अगर सोना से हमने बना दिया सुलाना, तो सुलाने के लिए तो किसी न किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो सुलाना साधित सकर्मक धातु हो गई। रोना, रो तो आदमी खुद लेगा, रुलाना, रुलाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी, तो रुलाना साधित सकर्मक धातु हो गई। दौड़ना, यह अकर्मक है और अगर हम यहां लिख दें दौड़ाना तो दौड़ाना साधित सकर्मक धातु हो गई। भागना, भगाना, भगाने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होगी। हंसना, हंसवाना, या आप कह सकते हैं हंसाना, हंसाना, हंसाने के लिए आपको किसी न किसी की जरूरत होगी। तो ये आपकी साधित सकर्मक धातुएं हो जाएंगी। तो अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया के रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? साधित सकर्मक धातु कहलाता है। मुझे लगता है कि अब ये कॉन्सेप्ट भी आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। और लिंक को आप लोग जरूर शेयर किया करिए, उत्साह वर्धन के लिए बहुत जरूरी है। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है, जतिन स्वामी जी आपका भी, सचिन यादव जी सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सुनीता राज भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी बिल्कुल, जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिलहाल जब हम सकर्मक अकर्मक पर बात करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी बस आप चीजों को जानते जाइए जितना मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं, क्योंकि क्रिया एक लेंथी टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रिया के पक्ष से पूछे जाते हैं, क्रिया की अवस्थाओं से पूछे जाते हैं, क्रिया के भेदों से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन की वजह से लोग कर नहीं पाते हैं। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने ये महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, एक बार आप लोग लिंक को जरूर शेयर करिए। आइए अब हम बढ़ते हैं उभय विधि धातु पर। यह तीसरा भेद है इसका, उभय विधि धातु या क्रिया। ठीक, तो ऐसी क्रियाएं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकती हैं वो क्या कहलाती हैं? उभय विधि धातु कहलाती हैं। तो जब सकर्मक को अकर्मक से सकर्मक में प्रस्तुत करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो उसमें परिवर्तन करना होगा, तो दुनिया में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी अकर्मक से सकर्मक में तब्दील की जा सकती हैं। लेकिन अगर कभी इस तरह की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो बात इतनी ही आप बताइएगा, उभय विधि धातु कहते किसे हैं? तो हम सीधे सीधे अगर बात कर लें, ऐसी क्रियाएं जो
सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं नहीं बल्कि हो सकती हैं, प्रयुक्त हो सकती हैं। उभयभित धातु कहलाती हैं। उभय विधि धातु कहलाती हैं। ठीक, तो ऐसी क्रियाएं जो दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं, हाँ इसीलिए तो टीजीटी की क्लास 1 जून से आप लोगों की चलेगी। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकती हैं उभय विधि धातु कहलाती हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, हमने यहां लिख दिया वह चलता है, चलना यहां क्या है अकर्मक क्रिया है क्योंकि चलने का कार्य वह खुद से कर लेगा। एक और वाक्य देखिए, वह छड़ी के सहारे चलता है। अब इसने क्या कर दिया, बाह्य साधन ले लिया, तो ऐसे में यहां चलना कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। तो यहां चलना क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त हो रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, उभय विधि धातु। लेकिन जानते हैं यह उभय विधि धातु तभी पता चलेगी जब हम इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल दुनिया की कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो अकर्मक से सकर्मक नहीं बनाई जा सकती है। सारी अकर्मक क्रियाएं सकर्मक क्रियाओं में परिवर्तित हो सकती हैं। उसके लिए हमें वाक्यों की मदद लेनी पड़ती है, उसके लिए प्रत्ययों की मदद लेनी पड़ती है। तो इस तरह से हम इनको उभय विधि धातु कह सकते हैं। तो जितनी भी क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं, उभय विधि धातु कहलाती हैं। बस इसके बारे में इतना ही हमको जानना है। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं मिश्र धातु पर। मिश्र धातु ये गौण कर्म का, ये गौण क्रिया का जो हम भेद पढ़ रहे थे यौगिक क्रिया के गौण भेद में, यह उसका चौथा और आखिरी भेद है मिश्र धातु। नाम से पता चलता है ऐसी धातुएं जिनको पूरा करने के लिए हमें किसी अन्य शब्द की आवश्यकता पड़े या जिनके साथ कोई अन्य शब्द भी जुड़ा रहे वो क्या कहलाती हैं, मिश्र धातुएं कहलाती हैं। तो पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं। ऐसी धातुएं जो किसी अन्य शब्द के योग से पूर्णता प्राप्त करती हैं, मिश्र धातु कहलाती हैं। तो ऐसी धातुएं जो किसी अन्य शब्द की मदद से उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है, उभय माने दोनों,
जो सब में हो, जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक, जो दोनों तरफ। खैर देखिए, यहां पर जो क्रिया मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बार बार आप क्रिया को पढ़ेंगे। जब मैं सामान्य हिंदी में क्रिया टॉपिक लेकर के आया हूं तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ाऊंगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं। और मेरा इरादा हमेशा यह रहता है कि मैं जिस भी चीज को आपको पढ़ाऊं उसमें कुछ पढ़ने लायक और कुछ बचे नहीं। तो आप मुकम्मल तैयारी करिए, चीजों को सही तरीके से जानने की कोशिश करिए, ठीक। तो हम मिश्र धातु की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ धातुएं मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा और आप देखिएगा, जैसे देखिए देना, लेना, बनना, मारना, होना, ये सब सब क्या है? मिश्र धातुएं। अगर इनको हम बनाएंगे तो जरा देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे गाली देना, प्यार देना, मार देना, ये सब सब देखिए अकेले नहीं बन पा रहे हैं। जब बन रहे हैं अन्य शब्दों की मदद से बन रहे हैं। धोखा देना, धोखा देना, अब समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। इसका मतलब दो शब्दों के योग से, मतलब जब भी ये बनेंगे किसी न किसी अन्य शब्द की मदद से ही बनेंगे, अकेले ये क्रियाएं नहीं बन सकती हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, चलिए ठीक, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र का मतलब ही होता है जो मिला जुला हो, ठीक। लेना देखिए, जैसे जोखिम लेना, भाप लेना, धूप लेना, ठीक है। बनना से देखिए उल्लू बनना, मूर्ख बनना, चालाक बनना, मारना से देखिए गोता मारना, डींग मारना, होना से देखिए दयावान होना, बीमार होना, ये सब सब भी मिश्र धातु के अंतर्गत आते हैं। अभी ये क्लास आपकी यही भी है, यही है, हाँ बिल्कुल, आशिक बनना भी इसी में आ जाएगा। चलिए बढ़िया है, आप लोग अपने तरीके से बना पा रहे हैं। हम लोगों ने यौगिक क्रिया के गौण भेदों पर चर्चा किया, अब हम लोग बात करेंगे यौगिक क्रिया के मुख्य चार भेदों पर। और यौगिक क्रिया के चार मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था, लिखवाया था, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का, और आप लोग लिंक को जरूर शेयर करिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही हम सबका उत्साहवर्धन होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके मुख्य भेदों पर चर्चा करते हैं।
जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वो लोग वीडियो को पीछे करके बाद में देख लेंगे। मुख्य भेद, मैंने आपको बताया कि इसके मुख्य भेद कौन कौन से हैं। पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। अभी अभी हमने इसको लिखा भी था, एक बार फिर से लिख दिया जिससे कि चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएं, ठीक है। अब हम एक एक को लेकर के बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त क्रिया पर। नाम से ही पता चलता है संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं का योग होगा। ऐसी क्रियाएं या ऐसी धातुएं जो दो क्रियाओं के योग से बनती हैं संयुक्त क्रिया या संयुक्त धातु कहलाती हैं, ठीक जी। बिल्कुल नीलम देवी जी, एक्चुअली क्या है कि हम सभी लोग रेड जोन में आ गए थे और क्लास चलाना उचित नहीं था, इस वजह से क्लासेज आपकी बंद हो गई थी। अब धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, सारी चीजें एक बार फिर से सुव्यवस्थित हो रही हैं, इस वजह से हम लोगों ने एक बार फिर से कमर कसा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो आइए बात करते हैं मुख्य भेद पर। मुख्य भेद में पहला भेद है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, धातु भी कह सकते हैं। ठीक, तो संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं जो दो क्रियाओं के योग से बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जो दो क्रियाओं के योग से बनती हैं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो संयुक्त क्रिया में जो पहले क्रिया आती है उसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में जो पहले क्रिया आती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया बाद में आती है उसको हम रंजक क्रिया कहते हैं। इसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे आप सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहां यह पॉइंट भी मैं लिख देना जरूरी समझता हूं। इसमें जो क्रिया पहले आती है मुख्य क्रिया तथा जो क्रिया बाद में आती है
रंजक क्रिया कहलाती है। इसका मतलब संयुक्त क्रिया के लिए सबसे अहम कंडीशन क्या है कि पहली क्रिया मुख्य क्रिया होनी चाहिए, दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होनी चाहिए। तो दो क्रियाओं के योग से हम इनको बनाते हैं, ठीक है। जो पहले क्रिया आएगी मुख्य क्रिया होगी, जो बाद में क्रिया आएगी वो रंजक क्रिया होगी। रंजक क्रिया नाम से ही पता चलता है कि जो दिखावे के लिए हो, ऐसी क्रियाएं जो मौख क्रियाएं हो, जो केवल दिखावे के लिए हो, जिनका कोई मूल अर्थ ना हो, किसी वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाए वो रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सहायक क्रिया को ही रंजक क्रिया कहते हैं समझने के लिए, हालांकि जब ये परीक्षा में पूछा जाएगा तो रंजक क्रिया ही पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक दो उदाहरणों पर बात कर लें, जैसे हमने लिख दिया वह पढ़ने लगता है। अब आप यहां पर देखिए वह करता है, पढ़ना इसमें मुख्य क्रिया है, और लगता है इसमें क्या हो गया, रंजक क्रिया हो गया। तो जो क्रिया पहले आएगी मुख्य क्रिया होगी, जो क्रिया बाद में आएगी रंजक क्रिया होगी, और ये दोनों मिल करके बन गए क्या, संयुक्त क्रिया बन गए, ठीक। बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं। कोई बात नहीं है, एक दो उदाहरण और आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। अब दे ही डालो, इसमें देना मुख्य क्रिया है, डालो कौन सी क्रिया होगी, रंजक क्रिया होगी, और ये दोनों क्रियाएं मिलकर के बन गई क्या, संयुक्त क्रिया बन गई। अब समझ में आ गया होगा कि जो क्रिया पहली बार आएगी उसको रंजक क्रिया कहें, सॉरी उसको मुख्य क्रिया कहेंगे, और जो क्रिया बाद में आएगी उसको हम क्या कहेंगे, रंजक क्रिया कहेंगे। तो ये मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया के मेल से जो क्रियाएं बनती हैं उनको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसको अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। एक दो उदाहरण मैं और आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक। चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो, और अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया तुम्हें विद्यालय जाना पड़ता है, अब आप देखिएगा यहां पर जाना कौन सी क्रिया होगी, मुख्य क्रिया, पड़ता है कौन सी क्रिया होगी, रंजक क्रिया, और ये दोनों मिल करके बन गए क्या, संयुक्त क्रिया। मुझे बताइए अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो।
ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। नहीं नहीं वीडियो प्राइवेट नहीं होगा, संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं, इनके बारे में बात करना जरूरी है, यहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। इनमें पहला है आरंभ बोधक क्रिया, दूसरा है समाप्ति बोधक क्रिया, तीसरा है नित्यता बोधक क्रिया, चौथा है अवकाश बोधक क्रिया, पांचवा है आवश्यकता बोधक क्रिया, छठा है अभ्यास बोधक क्रिया, सातवां है निश्चय बोधक क्रिया, आठवां है शक्ति बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया, नौवां है अनुमति बोधक क्रिया, दसवां है आपका शक्ति बोधक अनुमति बोधक इच्छा बोधक, इच्छा बोधक क्रिया, और इसका 11वां भेद है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ये संयुक्त क्रिया के आपके 11 भेद हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। देखिए क्लास आपकी बड़ी जरूर जाएगी, लेकिन क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और जरूरी भी है कि चीजें आपको सही तरीके से समझ में आनी चाहिए। लिंक को जरूर आप लोग शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। हाँ, अब हम लोग संयुक्त क्रिया के इन भेदों पर चर्चा करेंगे, एक एक को लेकर के आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। सबसे पहले बात करेंगे
आरंभ बोधक क्रिया पर। आरंभ बोधक क्रिया ये पहली क्रिया है आपकी, नाम से ही पता चलता है ऐसी क्रियाएं जिनसे अचानक किसी कार्य के प्रारंभ होने का बोध होता है आरंभ बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए प्रारंभ शब्द और आरंभ शब्द दो अलग अलग चीजें हैं। आरंभ का अर्थ होता है जो स्वतः होता हो और प्रारंभ का मतलब होता है जो प्री प्लांड हो, पहले से योजना बना करके जब कोई काम किया जाता है तो उसको प्रारंभ कहते हैं, और आरंभ का मतलब होता है जो स्वतः है चीजें घटित होती हों। लेकिन वास्तव में अब जो आधुनिक हिंदी है हमारी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए आरंभ बोधक क्रिया पर बात करते हैं, सीधे सीधे बात करेंगे कि इनके अंत में आता क्या है। ठीक, क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में ने प्लस लगा, लगी, लगे, लगता है, लगती है, लगते हैं, शब्द जुड़े रहते हैं। अगर क्रियाओं के अंत में ऐसे शब्द अगर जुड़े रहेंगे, ने के बाद लगा, लगी, लगे, लगता है, लगती है, लगते हैं, अगर ऐसे शब्द जुड़े रहेंगे तो वो आपके आरंभ बोधक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखिएगा, जैसे बच्चा रोने लगा, तो यहां आप देखिए रोना कौन सी क्रिया होगी, मुख्य क्रिया। लगा कौन सी क्रिया होगी, रंजक क्रिया। ये बनेगी कौन सी क्रिया, आरंभ बोधक क्रिया। और ये भाग किसका है, संयुक्त क्रिया का। एक और वाक्य देखिए, तुम चिल्लाने लगते हो, तुम चिल्लाने लगते हो, यहां चिल्लाना मुख्य क्रिया, लगते हो रंजक क्रिया। ये दोनों मिल करके बन गए क्या, आरंभ बोधक क्रिया। और आरंभ बोधक क्रिया ये भेद किसका है, संयुक्त क्रिया का। मुझे लगता है आप इसको समझ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। गुड मॉर्निंग अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है, और सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, धानु कुमार जी आपका भी। हाँ जी बिल्कुल, रूपा गौतम जी तुम पढ़ने लगते। तो चलिए, मुझे लगता है ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है आरंभ बोधक क्रिया का। आइए अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी क्रिया की तरफ। इसके बाद दूसरी क्रिया है आपकी नित्यता, समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक क्रिया।
ऐसी क्रियाएं जिसमें किसी कार्य की पूर्णता का बोध होता है समाप्ति बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द अगर जुड़े रहेंगे तो वो समाप्ति बोधक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, सीधे हम लिखते हैं यहां पर, क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आदि शब्द जुड़े रहते हैं। आदि शब्द जुड़े रहते हैं तो समाप्ति बोधक क्रिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? इनसे कार्य की पूर्णता का बोध होगा। क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, जैसे वह खाना खा चुका है। अब इसमें देखिए, खा मुख्य क्रिया हो गई, चुका है कौन सी क्रिया हो गई? रंजक क्रिया हो गई। ये दोनों मिल करके बन गए क्या? संयुक्त क्रिया बन गए। और संयुक्त क्रिया में भेद कौन सा बन गया? समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक क्रिया बन गया। ये आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, कोई भी क्रिया दे करके आपसे पूछा जा सकता है जी। बिल्कुल, पूर्णकालिक क्रिया भी आप बोल सकते हैं। जी देखिए, मैं उसे पढ़ा चुका था, चुका था भी आ गया, तो पढ़ा मुख्य क्रिया हो गया, चुका था रंजक क्रिया हो गया, दोनों मिल करके बन गए क्या? संयुक्त क्रिया बन गए। और संयुक्त क्रिया में कौन सा भेद हो गया? समाप्ति बोधक क्रिया बन गया। ठीक, कहीं कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए, फिर हम आगे बढ़ें। आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट भेद की तरफ। आइए अब हम बात करेंगे नित्यता बोधक, ये तीसरा भेद है आपका, नित्यता बोधक क्रिया। इससे क्या होता है? कार्य की निरंतरता का बोध होता है। इसका मतलब वाक्य किस में रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा? क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द जुड़े रहेंगे। जैसे वह पढ़ रहा है, तुम सो रहे हो, हवा बह रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे शब्द। ठीक है, क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, आदि शब्द जुड़े रहते हैं। आदि लिख दे रहा हूं, आदि शब्द
जुड़े रहते हैं। ठीक, जैसे हमने यहां लिख दिया हवा चल रही है, तो चलना कौन सी क्रिया होगी? मुख्य क्रिया। रही है रंजक क्रिया, दोनों मिलके बन गए क्या? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में भेद कौन सा बना? नित्यता बोधक, नित्यता बोधक क्रिया बन गया। ठीक, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे। लड़के खेल रहे हैं, खेलना मुख्य क्रिया, रहे हैं रंजक क्रिया, दोनों मिल करके बन गए क्या? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में भेद कौन सा बना? नित्यता बोधक, नित्यता बोधक क्रिया। देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे जब इस टॉपिक को खत्म कर देंगे तब। हाँ बिल्कुल संदीप जी, भूतकाल में भी हो सकता है, पक्षी उड़ रहे थे, इसमें भी तो भूतकाल में कार्य की निरंतरता का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं अवकाश बोधक में। चौथा है अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक क्रिया, वैसे तो अवकाश का मतलब होता है छुट्टी लेना, लेकिन यहां पर जो अवकाश बोधक हम लिख रहे हैं, इसमें अवकाश का मतलब यह होगा कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर के किसी अति महत्वपूर्ण कार्य को करना। तो इसमें क्या होता है कि क्रियाओं के अंत में पाया पाई पाए शब्द जुड़े रहते हैं। अगर कभी भी किसी क्रिया के अंत में पाया पाई पाए शब्द जुड़े रहेंगे तो वह हमेशा अवकाश बोधक क्रिया होगी। जैसे मैंने कह दिया मैं सो पाया, तो इसका मतलब सारे कामों को छोड़ करके मैंने सोने का काम किया। वह जा पाया, मैं खा पाया, हर काम को छोड़ करके मैं खाने का काम कर रहा हूं। तो जब सारे कार्यों को दरकिनार करते हुए किसी एक महत्वपूर्ण कार्य की तरफ तन्मय होकर के कार्य करना या किसी एक ही महत्वपूर्ण कार्य की तरफ उन्मुख होना अगर किया जाता है ऐसा कार्य, तो वो क्या कहलाता है? वह अवकाश बोधक क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं क्रियाओं के अंत में पाया पाई पाए शब्द जुड़े रहते हैं। ठीक, जैसे जैसे अगर मैंने लिख दिया मैं विद्यालय जा पाया, माने हर काम छोड़ करके विद्यालय गया है, तो यहां जाना मुख्य क्रिया, पाया रंजक क्रिया,
दोनों मिल करके बन गए क्या? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में भेद कौन सा बना? अवकाश बोधक क्रिया। ठीक है, मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चलिए, वह खा पाया, वह सो पाया, लड़के गांव जा पाए, वह खेल पाया, तमाम इस तरह के वाक्य बनाएंगे आप, ऐसे वाक्य आपके बनेंगे। बात को समझ पा रहे हैं? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब वहां तो मैंने जो आपको क्रम बताया था उस क्रम में तो मैं नहीं चल पाऊंगा क्योंकि वो मैंने अलग कर दिया है, लेकिन यह है कि कोई भी एक लेकर के चलते हैं। निश्चय बोधक क्रिया पर बात करते हैं, पांचवी क्रिया है आपकी निश्चय बोधक। निश्चय बोधक क्रिया, निश्चय बोधक क्रिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है पहले यह जान लीजिए। अगर कभी भी निश्चय बोधक क्रिया होगी तो उसमें निपात ही बीच में जरूर आएगा और कार्य के निश्चितता का बोध होगा, फर्म डिटर्मिनेशन का बोध होगा। यह निश्चय बोधक क्रिया की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो दो क्रियाओं के साथ अगर ही निपात जुड़ा रहेगा तो वहां पर निश्चय बोधक क्रिया होगी। ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं इस तरह के वाक्यों में दो क्रियाओं के साथ ही निपात जुड़ा रहता है, और इसी से पता चल जाएगा कि यह निश्चय बोधक क्रिया है। जैसे देखिए, जैसे हमने लिख दिया वह बीच में ही बोल पड़ा, बताइए ही आया, ये आपका क्या है? निपात है, बोलना मुख्य क्रिया है, पढ़ा क्या है? रंजक क्रिया है। ये दोनों मिल करके बन गए क्या? संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया में निश्चय बोधक क्रिया बन गई है, निश्चय बोधक क्रिया बन गई। कहीं कोई डाउट? एक और वाक्य देखिए, अब दे ही डालो, ये देखिए देना मुख्य क्रिया ही यहां पर निपात है, डालो यहां पर रंजक क्रिया हो गया, ये दोनों मिलकर के बन गए क्या? संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया में ये कौन सा भेद हुआ? निश्चय बोधक क्रिया का भेद हो गया, निश्चय बोधक क्रिया बन गई। मुझे लगता है इसमें भी अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ना 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 ना, देखिए केवल ही निपात आएगा, आप वहां पर देखिए अभी तक गया नहीं, इसमें केवल गया ही क्रिया है, नहीं नहीं है, ठीक है ना, केवल ही निपात आएगा, यह ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिंक को जरूर शेयर करिए आप लोग। अनुमति बोधक क्रिया पर बात करते हैं, और मुझे लगता है ये छठी क्रिया होगी आपकी।
अनुमति बोधक, अनुमति बोधक क्रिया। इससे क्या होता है? अनुमति मांगने का बोध होता है, अनुमति देने या लेने का बोध होता है, और ऐसे क्रियाओं के अंत में नेदो शब्द जुड़ा रहता है। कौन सा शब्द जुड़ा रहेगा? नेदो शब्द जुड़ा रहेगा। सुरेश कुमार जी, 1 जून से आप लोगों की टीजीटी की क्लास चलेगी, ठीक है? हाँ, देखिए, इस तरह कि क्रियाओं के अंत में ने दो शब्द जुड़ा रहता है, ने दो शब्द जुड़ा रहता है। मैं आपको फालतू चीजें लिखवा नहीं रहा हूं, केवल उतनी ही चीजें आपको बता रहा हूं, लिखा रहा हूं, जितने से आपका काम हो जाए। तो यहां पर ने दो शब्द है। अगर कभी भी किसी भी वाक्य में ने दो शब्द आएगा, दो क्रियाएं रहेंगी, तो वह स्वतः ही क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। एक दो उदाहरणों पर बात करते हैं। जैसे उसे पढ़ने दो। अब आप देखिए, यहां पर पढ़ना कौन सी क्रिया होगी? मुख्य क्रिया। दो कौन सी क्रिया होगी? रंजक क्रिया। ये दोनों मिलकर के बनेंगे क्या? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में ये कौन सा भेद होगा आपका? अनुमति बोधक, अनुमति बोधक क्रिया, अनुमति बोधक क्रिया। एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं। देखिए, उसे जाने दो। यहां पर जाना कौन सी क्रिया होगी? मुख्य क्रिया। दो कौन सी क्रिया होगी? रंजक क्रिया। ये दोनों मिलकर के बनेंगे क्या? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद बना? ये अनुमति बोधक, अनुमति बोधक बन गया, अनुमति बोधक क्रिया हो गया। मुझे लगता है कि अब आपको इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले भेद पर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आवश्यकता बोधक क्रिया पर। आवश्यकता, आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक क्रिया में नाम से ही पता चलता है, इससे आवश्यकता का बोध होगा। तो आवश्यकता बोधक क्रिया के अंत में पड़ा, पड़ी, पड़े, पड़ता है, पड़ती है, पड़ते हैं, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं, ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में पड़ा, पड़ी, पड़े, पड़ता है, पड़ती है, पड़ते हैं आदि शब्द जुड़े रहते हैं।
आदि शब्द जुड़े रहते हैं, तो अगर कभी भी दो क्रियाएं हों और क्रियाओं के अंत में पड़ा, पड़ी, पड़े, पड़ता है, पड़ती है, पड़ते हैं, अगर ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं तो हमेशा क्या होंगे, आवश्यकता बोधक क्रियाएं क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने कह दिया उसे विद्यालय जाना पड़ा, ये उसकी जरूरत है कि जाना पड़ा, तो जाना यहां क्या होगा, मुख्य क्रिया, पड़ा रंजक क्रिया, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में आवश्यकता बोधक क्रिया, आवश्यकता बोधक क्रिया हो गई है। कहीं कोई डाउट किसी को? हाँ, और एक और वाक्य देख लीजिए, उसे वहां जाना पड़ता है। यहां भी देखिए, जाना क्या है, मुख्य क्रिया, पड़ता है रंजक क्रिया, दोनों क्रियाएं मिलकर के क्या बन गई, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में कौन सा भेद बना, आवश्यकता बोधक क्रिया, आवश्यकता बोधक क्रिया। कहीं कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, मुझे लगता है। बोलिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे एक नई क्रिया की तरफ, अभ्यास बोधक क्रिया। ये आठवीं क्रिया होगी आपकी, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहां मैं गिन तो रहा नहीं था, फिर भी आठवां होना चाहिए मेरे समझ से। और ये है आपका अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास बोधक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनसे आदत का बोध हो, जिसे आप हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, ऐसी क्रियाएं जिनसे आदत का बोध होता है, अभ्यास बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। आपने अंग्रेजी में यूज्ड टू पढ़ा होगा, तो क्रियाओं के अंत में या करता था, ई करती थी, ये करते थे, या करता है, ई करती है, ये करते हैं, अगर ऐसे शब्द रहेंगे तो अभ्यास बोधक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो हम यहां डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इससे आदत का बोध होता है। आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई हैं। हम सीधे यहां पॉइंट पर बात करते हैं कि क्रिया के अंत में क्या रहेगा। क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए, या, ई, ए प्लस करता था, करती थी, करते थे, करता है, करती है, करते हैं, आदि शब्द जुड़े रहते हैं, आदि शब्द जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो कभी भी करता है, करती है, करते हैं, करता था, करती थी, करते थे, अगर ऐसे शब्द आएंगे
तो वो अभ्यास बोधक क्रिया के अंतर्गत होगा। एक दो उदाहरण देखते हैं, जैसे वह मेरे घर आया करता था, वह मेरे घर आया करता था। यहां पर आया कौन सी क्रिया होगी? मुख्य क्रिया। करता था, रंजक क्रिया, दोनों मिलकर के बनेंगे संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया में कौन सी क्रिया बनेगी? अभ्यास बोधक क्रिया। कौन सी क्रिया बनेगी? अभ्यास बोधक क्रिया बन गई। एक उदाहरण और आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूं, कुत्ते भौंका करते हैं। अभी आदत पड़ चुकी है कुत्तों के भौंकने की, तो भौंकना मुख्य क्रिया, करते हैं रंजक क्रिया, दोनों मिल करके बन गया क्या? संयुक्त क्रिया। और यह अभ्यास बोधक क्रिया आपकी बन गई, अभ्यास बोधक क्रिया। कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को अगर कहीं कोई दिक्कत हो। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ संदीप जी, चिड़िया आकाश में उड़ा करती है। मुझे देखने दो, ये तो अनुमति बोधक में आ जाएगा अर्चना जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नौवीं क्रिया पर बात करेंगे, और यह है आपकी इच्छा बोधक, इच्छा बोधक क्रिया। इससे पता चलता है इच्छा का बोध होता है, और क्रियाओं के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं, और इसी से इनकी पहचान होती है। ठीक है, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं, इच्छा का बोध होगा, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हो, आदि शब्द जुड़े रहते हैं। माने भूतकाल में भी ये क्रियाएं हो सकती, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे भी हो सकता है, आदि शब्द जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत स्वागत है मानवी जी आपका भी। 1 जून से क्लास चलेगी टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, तो अब आप देखिए पढ़ना यहां पर कौन सी क्रिया होगी? मुख्य क्रिया। चाहता हूं कौन सी क्रिया होगी? रंजक क्रिया। ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में कौन सा भेद होगा? इच्छा बोधक क्रिया।
इच्छा बोधक क्रिया, ठीक, वह घर जाना चाहता था। यहां देखिए जाना मुख्य क्रिया, चाहता था रंजक क्रिया, दोनों मिलकर के बन गए क्या संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में भेद कौन सा बना, इच्छा बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया। मुझे लगता है यह कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रंजक क्रिया का मतलब सहायक क्रिया समझ लीजिए, ठीक है माधुरी जी, जो ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया को पूरा करने का काम करती हैं रंजक क्रिया कहलाती हैं। आप कह सकती हैं मॉक वर्ब, ऐसी क्रियाएं जिनका कोई मतलब ना हो, केवल वाक्य को पूरा करने का काम करती हूं। एक बार वीडियो को आप लोग पीछे से देखेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, मैंने इसको बता दिया, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, शक्तिबोधक क्रिया, यह दसवीं क्रिया होगी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत, शक्तिबोधक क्रिया। शक्तिबोधक क्रिया इसमें किसी कार्य को करने के लिए कर्ता की सामर्थ्य का बोध होता है। क्रियाओं के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, जब आप पढ़े हैं कैनकुड, अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे कैनकुड, उसी की बात कर रहा हूं। तो क्रियाओं के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सका, सकी, सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वो शक्तिबोधक क्रिया कहलाती है। तो हम सीधे यहां पर लिख सकते हैं, क्रियाओं के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, आदि शब्द जुड़े रहते हैं, आदि शब्द जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ आप सकता है, सकती है, सकते हैं, सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, अगर ऐसे शब्द जुड़े रहेंगे तो चीजें किसके अंतर्गत चली जाएंगी, शक्तिबोधक क्रिया के अंतर्गत चली जाएंगी। जैसे देखिए हमने यहां लिख दिया, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, अब यहां पर पीटना कौन सी क्रिया होगी, मुख्य क्रिया, सकता हूं कौन सी क्रिया होगी, रंजक क्रिया, ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे क्या संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में ये कौन सा भेद बनेगा, शक्तिबोधक क्रिया, शक्तिबोधक क्रिया, ठीक है। एक और वाक्य देख लीजिए, लड़के गांव जा सकते थे। यहां पर यह बताइए जाना क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया, और सकते थे रंजक क्रिया, और ये दोनों मिलकर के बन गए क्या संयुक्त क्रिया।
और संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद हो गया ये, शक्तिबोधक क्रिया बन गया। मुझे लगता है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं और किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं और संयुक्त क्रिया का ये आखिरी भेद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ये 11वां भेद है आपका, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ध्यान रखिएगा, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जोड़ों में होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जोड़ों में होती हैं। जैसे आप देखते हैं, लिखना पढ़ना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब सब क्या है, ये सब पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे जो जोड़े में क्रियाएं होती हैं, जैसे मैं यहां लिखता हूं और वाक्य प्रयोग करके बता देता हूं, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए, आना जाना, लिखना पढ़ना, उठना बैठना, जीना मरना, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। तो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया इसी को कहा जाता है। जहां भी ऐसी क्रियाएं आएंगी वो इसी के अंतर्गत आएंगी। एक उदाहरण देखते हैं, मेरा तुम्हारे घर आना जाना रहेगा। अब ये बताइए, यहां आना जाना मुख्य क्रिया हो गई और रहेगा रंजक क्रिया हो गई, और ये दोनों मिल करके क्या बन गए, संयुक्त क्रिया बन गए। और संयुक्त क्रिया में यह कौन सी क्रिया बनी, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया बन गई। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया बन गई। मुझे लगता है कि अब आप इसको सही तरीके से समझ पाए हैं। ठीक है, उसने, मैंने लिख दिया, वह लिखना पढ़ना जानता, या कुछ भी आप ऐसा वाक्य बना दीजिए, मैंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया, तो लिखना पढ़ना क्या हो जाएगी, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया हो जाएगी। लिखना पढ़ना हो गया और छोड़ दिया उधर आपका आ गया। तो हमेशा याद रखिए कि ये ऐसी क्रियाएं अगर कहीं भी रहेंगी तो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होंगी। और मुझे लगता है कि इसमें भी अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए, चूंकि कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं आज कम से कम आपको यौगिक क्रिया के सारे भेदों को बता दूं, यौगिक क्रिया का आज हम लोगों ने पहला भेद संयुक्त क्रिया को पढ़ा, और संयुक्त क्रिया के 11 भेदों को हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। जब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगा प्रमोशनल वीडियो के अंतर्गत, तो उस क्लास में आपको मैं नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, इन सब के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम संरचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण पढ़ेंगे, रचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसका मतलब जितनी भी चीजें क्रिया के अंतर्गत आती हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे, और फिर हम क्रिया की अवस्थाओं पर बात करेंगे, क्रिया के पक्ष पर बात करेंगे, और इस तरह से एक संपूर्ण अध्ययन हम लोग क्रिया पर करेंगे, जो निःसंदेह आपके लिए न केवल टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट होगी, बल्कि यूपीएसआई आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और इतना ही नहीं, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। और इस क्लास को देख करके क्रिया से संबंधित उनके जितने डाउट्स हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो आज आप लोगों के साथ अच्छा लगा, संख्या जरूर आज आप लोगों की कम रही, लेकिन
कोई बात नहीं है। हाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं संदीप जी, लेकिन मैं जानता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोग बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो एक हफ्ते तक आपकी ये डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप लोग इसका पूरा लुत्फ लीजिए। 12 बजे से संस्कृत की क्लास रहेगी आज और शाम 4 बजे से मैथ्स की क्लास रहेगी, तो उस डेमो क्लास का भी आप लोग पूरा पूरा आनंद लीजिए। और आज की क्लास मैं यहीं पर आपकी समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ज्ञान गंगा परिवार का अभिन्न हिस्सा बने रहने के लिए। तो क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स इट।